राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ऐसा कहना है चंपालाल गेदर का। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, अनंत राम विश्नोई, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हामिद खान मेवाती से जनता दरबार ने खास बातचीत की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मदन राठौड़ को बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसी खुशी में आज बीजेपी का ओबीसी मोर्चा जश्न मना रहा है। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, मदन राठौड़ जी को बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ओबीसी मोर्चा उसका जश्न मना रहा है, क्या करना? देखिए, आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने ओबीसी मोर्चा से ओबीसी से मदन जी राठौड़ को जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। और आज प्रदेश नेतृत्व के यहाँ राजस्थान में जयपुर कार्यालय में पूरी पार्टी के कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चा पूरा आज मिठाई खिला करके और आतिशबाजी करके ये जो खुशी मना रहा है, सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। देखिए, आज से 1.5 साल पहले सीपी जोशी जी का मनोनयन हुआ था। ये एक पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और सीपी जोशी जी ने 1.5 साल में बहुत ही शानदार काम किए और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी। उसी तर्ज पे मदन राठौड़ जी का आज मनोनयन हुआ है। मदन राठौड़ जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर के और आने वाले समय में निश्चित रूप से संगठन को और मजबूती मिलेगी और हमारे आने वाले सभी चुनाव है उनमें हम विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि भाजपा सर्व समाज को साथ में लेकर चलता है, लेकिन विशेष बात करें अगर ओबीसी समुदाय की, तो क्या लगता है आपको अध्यक्ष बनने से क्या कुछ? देखिए, ओबीसी वैसे तो देखिए पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो सभी समाजों को साथ लेकर के चलता है, लेकिन निश्चित रूप से ये ओबीसी समाज से आते हैं तो ओबीसी समाज में भी इसका उत्साह है और इससे फर्क पड़ेगा। हालांकि ओबीसी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है, तो मदन जी राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पे हम सभी में खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन जो मजबूत होने का काम करेगा। आने वाले उपचुनाव पे क्या लगता है इसका कुछ खास असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस पर असर पड़ेगा। जो मदन राठौड़ जी है सुलझे हुए व्यक्ति है और संगठन के व्यक्ति है, बहुत समय से काम कर रहे हैं, 2 बार आप MLA भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, तो इसका अनुभव का हमें बहुत फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीते हमारे साथ ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मदन राठौड़ जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से एक नई ऊर्जा एक यहाँ पर मिली और आने वाले उपचुनाव में भी इसका काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। हमारे साथ हामिद खान जी भी मौजूद हैं। भाई साहब, ओबीसी समुदाय से आने वाले मदन राठौड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जाहिर सी बात है खुशी की लहर तो है ही सही, लेकिन आने वाला उपचुनाव एक बहुत कड़ी परीक्षा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी है। इससे पहले भी जब माननीय CP जोशी जी को राजस्थान की कमान सौंपी थी तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके नेतृत्व में अच्छा काम किया और अब हमारे बीच परिवार के जो मुखिया बनाए हैं मदन राठौड़ जी को, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर, पूरे परिवार मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट देने का हम प्रयास करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय भजनलाल शर्मा जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का। हम सब मिलकर जो माननीय भजनलाल जी ने जो काम किए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में, पूरे राजस्थान के अंदर हम जाएंगे और जो चुनाव के अंदर जो हमारी 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 विधानसभा सीटों पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो उन्होंने टारगेट दिया और जनता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, भजन लाल जी की सरकार ने जो प्रगतिशील काम चल रहे हैं और जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित ही हम 5 के 5 सीटें जीतेंगे। हामिद खान जी, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से एक नया प्रदेशाध्यक्ष भाजपा
को मिला है, उससे एक आने वाले उपचुनाव में भी काफ़ी कुछ इसका असर देखने को मिलेगा और एक नई ऊर्जा हम कह सकते हैं प्रदेश भाजपा में आई है। हालांकि इनका कहना है कि 1.5 साल पहले जब सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय भी काफ़ी अच्छे काम हुए थे और अब मदन राठौड़ जी, जो कि उनका एक अच्छा एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव का लाभ आने वाले उपचुनाव में ज़रूर मिलेगा और पार्टी को एक नई दशा और दिशा प्रदान होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।